नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ हमारे मौजूदगी अभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग का पास है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब सत्ता में आएंगे तो आपको 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन जो यहां पे महिलाएं हैं, एनएम है और ये लोग का जो मांग है उसको लेकर के लगातार जो है यहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारे जब सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, लेकिन जो नौकरी दिया है उनको भी नौकरी छीनने की जो है काम कर, हमारे साथ जो बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। सर, हम लोग पिछले 10 सालों से संविदा पे काम कर रहे हैं सर, और 2022 में हम लोग का वैकेंसी आया था कि हम लोग का नियुक्ति एक्सपीरियंस बेस पे होगा, जिसका हम लोग का स्क्रूटनी भी हो गया है, लेकिन पिछले एक सालों से कुछ नहीं हो रहा। हम लोग का बस यही मांग है कि काउंसलिंग करवा के हम लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जो सरकारी नौकरी में न भी है उनको लाएंगे, लेकिन जो सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं उसके बाद बीपीएससी एग्जाम देने के लिए बोल रहे हैं। सब उनका चुनावी जुगला है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। अगर यही बात रहता तो हम लोग कोरोना में इतना मरमर के काम किए, अपने जान पर खेल के, फिर हम लोग के साथ क्या हो रहा है? हम लोग तो अपने मांगों के लिए रोड पे आ रहे हैं, तो हम लोग का बस यही निवेदन है कि हम लोग का काउंसलिंग करवा के ज्वाइनिंग करवाएं। और पूर्व में वो हम लोग को आश्वासन भी दिए थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आप लोग का नियमिति करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम उनके पास अभी आए हैं, दो बार तीन बार उनसे मिले हैं, वो बार बार हम लोग को आश्वासन ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जबकि हम लोग का 7 विज्ञापन संख्या 7/22 के तहत ऑनलाइन आवेदन भी हुआ है, हम लोग आवेदन भी किए हैं, और सुधार का भी डेट निकलवा कर हम लोग को सुधार के लिए भी सुधार कर दिए हैं। उसके बाद भी हम लोग का जब भी है कम से कम काउंसलिंग कराकर हम लोग का नियमितीकरण किया जाए, मैं उनसे आग्रह करती हूँ। मांग क्या है बीटीएससी से और तेजस्वी यादव से, मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि हम लोग को जो विज्ञापन संख्या 7/22 के तहत जो हम लोग का विज्ञापन संख्या निकाल कर जो हम लोग को ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उसमें वो काउंसलिंग कराकर हम लोग का नियमितीकरण किया जाए, वही मांग है। अगर सरकार नहीं करती है तो क्या करेगा? अगर सरकार नहीं करती है तो हम आज हम ये कहकर यहाँ से जाते हैं कि हम लोग 17 तारीख से मैदान में उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। 17/8 हाँ, 17। क्या लग रहा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन भी करिएगा? तेजस्वी यादव एकदम बिल्कुल मानेंगे, वो नारी को सम्मान जो बाधित होता है, काम जो बाधित होगा या कोई तरह के दुर्घटना होता है, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम लोग इतना दिन काम किए, 10 साल 12 साल 14 साल से कुछ बहन रिटायर कर गई, कुछ बहन करने वाली है, तो जब वो कुछ देंगे ही नहीं, आश्वासन दे दे के हम लोग को धूल चटा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 12 में वैकेंसी निकाले, 2018 की नियमावली के अनुसार हम लोग ऑनलाइन किए, एक साल हो गया ऑनलाइन किए हुए, और बोल रहे हैं कि अब एग्जाम लेंगे, एग्जाम द्वारा करेंगे, तो बताइए हम लोग 18 की नियमावली के अनुसार हम लोग ऑनलाइन किए तो फिर इसमें एग्जाम किस बात की? अगर एग्जाम ही लेना था तो 11 साल 14 साल हम लोग को 11,000 10,000 15,000 पर खटाते खटाते 12 साल 14 साल बिता दिए, हम लोग को क्या मिला? अब रिटायर होने का कगार आ गया, अब हम लोग रिटायर होंगे सर, अब 5% साल में देते हैं, उससे क्या होता है हम लोग, हमारे बाल बच्चा भी नहीं, और सबको क्या होगा, वो भी नहीं मिलता है। 5% कुछ लोग बोल रहे हैं कि 22 में आया फॉर्म, कुछ आप 18 से कर रहे हैं? जी नहीं, 2018 के नियमावली के अनुसार 2022 में 7/2022 को विज्ञापन निकला, और उसी में 10,709 का वैकेंसी निकला, और उसी वैकेंसी में हम लोग सारे ऑनलाइन किए। हम लोग 14 साल से हम लोग कार्यरत हैं, और अब कह रहे हैं क्या कि अब एग्जाम लिया जाएगा, आप जी बीपीएससी से एग्जाम लिया जाएगा। आप बताइए, हम लोग 12-14 साल से कार्यरत हैं, 11,000 10,000 4,000 वेतन दे दे के आज लाए हैं, इतना अब हम लोग रिटायर के कगार पर आ गए हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग बीपीएससी में अब हम लोग को बैठाएंगे, 2 साल 4 साल जिनका रिटायरमेंट है वो अब बीपीएससी में बैठेगी लोग, अब बीपीएससी निकालेगी लोग, यही करना था तो शुरू से ही करते, हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट पर इतना दिन नहीं खटवाते, हम लोग नहीं खटते, तो ये हम लोग के साथ न्याय कर रहे हैं। बताइए, सब लोग जो थे डॉक्टर साहब सब, उन लोग को भी इसी तरह उन लोग का पोस्टिंग हुआ था, जो कि उन लोग को फिर काउंसलिंग करा के कर दिया गया, इसी तरह हम लोग को भी कर दिया जाए। हम लोग सरकार से तो ये नहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अगर हम लोग का मांग है कि हम लोग का परीक्षा नहीं लिया जाए और उसके बाद हम लोग का नियमित कर जी, 22 का हम लोग का विज्ञापन है और 23 में इनका ये नियम निकला है, तो फिर 22 के नियम के अनुसार तो हम लोग का काउंसलिंग होना चाहिए,
तो काउंसलिंग करा के हम लोग को भर्ती किया जाए। निकला है हम लोग को जो वैकेंसी निकला हुआ है जिसमें हम लोग फॉर्म भरे हैं उस वैकेंसी को क्लियर कर दें, उसके बाद आगे जो भी नियम लागू करना है वैसे आप लागू करते रहिए। बस हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जो फॉर्म भरे हैं जैसे वो 14 में जैसे वैकेंसी निकाले, 14 में काउंसलिंग करवा एग्जाम लिए थी, इंटर वाइवा लिए थे और ज्वाइनिंग कराए, फिर 15-16 में करवाए, उसी के आधार पर हम लोग 7/2022 को भी 16 के आधार पर हम लोग को करवाए और ज्वाइनिंग करवाए। कोविड में सर हम लोग अपना बाल बच्चा छोड़ के सब कुछ छोड़ के कोविड में हम लोग कोरोना वार्ड में काम किए, जान पर खेल के काम किए। दो बार हम लोग पूर्व में कभी तेजस्वी यादव से मिले थे, कोविड में ड्यूटी किए, उसका कोई ओवर पैसा नहीं मिला, ऐसा ही और बोला गया कि पैसा दिया जाएगा कोविड में ड्यूटी कीजिएगा, तो और हम लोग जान पर बाजी लगा कोविड वार्ड में हम लोग ड्यूटी किए, एक भी पैसा नहीं मिला। फिर 1500 का बोले कि इंसेंटिव दिया जाएगा 2-3 साल तक, वो भी एक पैसा नहीं मिला। और खाली हम लोग को इतना शोषण किया जाता है और इतना ड्यूटी लिया जाता है, 2-4 साल अब सर ड्यूटी है, हम लोग का नौकरी है, अब रिटायर के कगार पर हम लोग आ गए। सरकार तो कहती है सरकारी नौकरी देते हैं, तो सरकारी कहाँ है सर, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है सर। अपने पूर्व में तेजस्वी यादव से कभी मिले? जी मैंने पूर्व में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्द भी आप लोग के जो आप लोग का जो काउंसलिंग कराया जाएगा, और यहाँ भी हम लोग सचिव सर से मिले थे तो वो बोले थे कि आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ काउंसलिंग का, इसके लिए जगह फिक्स कर दिया गया है, इसके लिए हर चीज फिक्स कर दिया गया है, निकाल के ये लोग फिर अगस्त में भी हम लोग काउंसलिंग का डेट निकाला गया था कि अगस्त में हम आप लोग की काउंसलिंग होगी, फिर ये क्या हुआ, ये क्या नीति है सरकार का समझ में नहीं आता है। हमारी सरकार कहती है महिला के लिए क्या कर रहे हैं, महिला आज रोड पर उतरी हुई है, हम लोग कम वेतन में एकदम न्यूनतम वेतन में काम कर रहे हैं, हर जगह हमारी बहने हैं कोरोना में काम करती हैं, हम लोग को अभी 16,000-17,000 हर का वेतन, 11,500 जो हम लोग आज 16 साल से काम कर रहे हैं उन लोग को 17,000, ये क्या है, हम लोग का शोषण हो रहा है। 50 गुना महंगाई और 1 गुना पैसा। आज हम लोग 16 साल में सर सोचिए कि 16 साल में 50 गुना महंगाई बढ़ गया है, पहले चावल था 12 रुपया, आज 32 रुपया 34 रुपया चावल हो गया, तो हम लोग भूखे कर रहते हैं। हम जहानाबाद जिला से आए हैं सर, गली गली सर्वे कराया जाता है, ANM ना रहे तो आशा ना रहे तो ANM करे काम करे, डाटा ऑपरेटर ना रहे तो ANM काम करे, लैब टेक्नीशियन ना रहे तो ANM काम करे, क्या हम लोग है, ANM रहे तो सब चल जाए कहाँ, हम लोग 5-5 गो 6 गो हैं ANM, एक को छुट्टी नहीं मिलता है। सरकारी वाली है जो कहती है कि ना सरकारी वाली जो रहती है वो कहती है कि नहीं जो काम है जो कॉन्ट्रैक्ट वाली करेगी, तुम लोग को करना है, हम लोग करते हैं काम करते हैं। ये सारा कहां पे आप पदस्थापित हैं? कहां पे पदस्थापित हैं? पटना गर्दानी बाग सिक्सी में। कौन बोलते हैं ऐसी बात? हरेक कोई अथी। क्या नाम है उनका? हरेक कोई सब बोलते हैं। प्रभारी को नाम क्या है? प्रभारी को नाम क्या है जो गर्दनी बाग सिक्स में है, जो क्या नाम है प्रभारी का? बोलता कोई नहीं है, भेदभाव मतलब ऐसा हम लोग के साथ में सब करते हैं। अभी आपने बोला प्रभारी का, प्रभारी नहीं देखते हैं? प्रभारी नहीं, संविदा कर्मी के साथ हम लोग के साथ ऐसे करते होता है, संविदा कर्मी के साथ शोषण होता है वो। हम लोग आजकल डाटा का भी काम हमारी ANM बहने से कराया जाता है, NCD ANM बहने करेगी, IDSP ANM बहने करेगी, सारा काम ANM बहने करेगी। फिर आज समान काम अगर लेते हैं तो समान वेतन हम लोग को क्यों नहीं देते हैं? अगर समान काम अगर करवाते हैं तो समान वेतन दीजिए, हमारी मांगे पूरी हो। देखिए तो इस तरह से ANM जो है पटना के अभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास जो है पहुंच चुके हैं। इन लोग का जो मांग है कि जिस तरह से समान काम का समान वेतन को लेकर के लगातार जो है पूरे बिहार से जो आए हैं, इन लोग का जो मांग है हम लोग का समान काम समान वेतन, क्योंकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास में है, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि हम लोग जब हम सरकार में आएंगे तो जितना भी ANM जो है मेडिकल वाला को जो है हम सरकारी करेंगे, लेकिन अभी तक इन लोग का समान काम का समान वेतन नहीं दे रहा है, इसको लेकर के लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। देखने की बात है क्या तेजस्वी यादव इन लोग का जो है बात अपने संज्ञान में लेकर के इन लोग का समान काम का समान वेतन देते हैं कि नहीं। अभी तक के फिलहाल इतना ही, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर, धन्यवाद।